गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर जस्ट स्टार्टअप ऑफ डीप फाउंडेशन. ओनली डेफिनेशन वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर, राइट? इन यूनिट टू देर आर मेन थ्री टॉपिक्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर टू टॉपिक्स, राइट? फर्स्ट इज जॉब लेआउट, सेकेंड इज अर्थवर्क एंड थर्ड इज foundation. The foundation is going on, but we have already seen in shallow foundation and their types, right? Just we have started the deep foundation, and please listen to me carefully. This is the very important topic, right? Okay. फिर से मैं बता रही हूँ, यूनिट नंबर टू में हमने थ्री टॉपिक्स देखे, सॉरी टू टॉपिक्स देखे, जॉब लेआउट, अर्थवर्क एंड फाउंडेशन हमने जस्ट स्टार्ट किया है. उसमें हमने शैलो फाउंडेशन के सारे टाइप्स कवर कर दिए हैं. नाउ द रिमेनिंग टॉपिक इज डीप फाउंडेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डीप फाउंडेशन? द डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, बट आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन ऑफ डीप फाउंडेशन. व्हाट इज डीप फाउंडेशन? When the depth of foundation is more than its width, when the depth of foundation, मतलब foundation का जो depth है, foundation के width से अगर ज़्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Deep foundation. मतलब 2 meter से अगर ज़्यादा excavation करना है, 2 meter से ज़्यादा depth में पूरा foundation गाड़ना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीप फाउंडेशन. जनरली हम फाउंडेशन कितने मीटर डेप्थ में करते हैं? 1.5 मीटर डेप्थ में हम फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली 1.5 मीटर के डेप्थ में हार्ड मुरूम अगर अवेलेबल है तो शैलो फाउंडेशन आप कर सकते हैं. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? डीप फाउंडेशन करना पड़ेगा, बराबर है? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन 2 meter, देन इट इज कॉल्ड एज अ डीप फाउंडेशन. इफ द स्ट्राटा ऑफ गुड बैरिंग कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल नियर द ग्राउंड एंड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर हैज टू बी टेकन डीप टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर वेयर shallow foundation cannot be used. Under all such cases deep foundation is used. Already we have discussed what is deep foundation. If there is no hard strata, there is not available hard strata at 1.5 meter depth, then we have to use deep foundation. Okay, so let's see the types of foundation. Yes, these three main types of deep foundation. First is piles, second one is caissons, and third one is cofferdam. Okay, piles, caisson, and cofferdams. Now, in piles, there are numbers of types of piles. Okay, depending upon the function and depending upon the material ke hisab se unhone describe kiya hai, distribute kiya hai, and functions ke hisab se unhone distribute kiye hai. Now my question is, what is pile? Okay, so just a minute. What is pile foundations? Pile foundation is a foundation system that transfers loads to a deeper and component soil layer. Generally, pile foundation is used if the structure is situated on seashore or riverbed, and if the topsoil has poor bearing capacity.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई फाउंडेशन क्या है? पाई फाउंडेशन कहाँ पे हम यूज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. पाई फाउंडेशन जनरली कहाँ पे हम यूज करेंगे और क्यों क्यों यूज करेंगे? बिकॉज सॉइल हैज पुअर बेरिंग कैपेसिटी. सॉइल की जो SBC है, सिर्फ बेरिंग कैपेसिटी जो है वो पुअर है अगर, तो वहां पे उस एरिया में हम क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन गाड़ेंगे. अब वो पुअर कहाँ पे रहती है जनरली? सॉइल की पुअर बेरिंग कैपेसिटी कहाँ पे रहती है? जहां पर रेत है. रेत मीन्स सैंड. अगर जो एरिया में सैंड अवेलेबल है, मतलब वो लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल है, लूज सॉइल है, वहां पे अगर आप कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉलेप्स हो जाएगा. उसको ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेंगी, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है. इसीलिए वो एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, पाई फाउंडेशन बनाना पड़ेगा. फाउंडेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स लोड्स टू अ डीपर एंड कंपोनेंट सॉइल लेयर. तो वहां पे ऐसे इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई फाउंडेशन करना पड़ेगा. अब पाइल्स कैसे रहते हैं? पाइल्स मीन्स पाइप के जैसे रहते हैं. आपने पाइप देखा होगा, बराबर है? पाइप कैसा रहता है? पाइप एकदम पूरा नली के टाइप रहता है, राइट? तो वैसा ही बड़े इसमें बड़े डायमीटर में पाइल बना के उसके ऊपर क्या जनरेट करने पड़ते हैं, कैप. और कैप के थ्रू उसको डायरेक्टली जमीन के अंदर, ग्राउंड लेवल के नीचे पूरे जमीन के अंदर गाड़ने पड़ते हैं. और वैसे क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन को वैसे सपोर्ट देना पड़ता है. पाइप के जैसे क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल के नीचे, बिलो ग्राउंड लेवल हम क्या करेंगे, पूरे पाइप के जैसे पाइल्स बना के उसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे. और फिर उसके ऊपर एक कैप जैसा रहता है. मैं आपको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ अभी समझने की कोशिश करो कि पाइल फाउंडेशन होता क्या है. एक पाइप के जैसा पूरे बिलो ग्राउंड लेवल हम क्या करेंगे, उसको गाड़ेंगे. और उसके ऊपर उसके सपोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे फाउंडेशन बनाएंगे. तो उसको क्या मिलेंगी, वो वहां पे मतलब पाइल्स गाड़ने के कारण क्या मिलेंगी, फाउंडेशन को, स्ट्रक्चर को क्या मिलेंगी, स्टेबिलिटी मिलेंगी. ठीक है, वो फिर डायरेक्टली स्ट्रक्चर जो है वो पूरा इतने लोड से अंदर ग्राउंड में नहीं, मतलब उसका जो लोड है वो पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने सपोर्ट दिया है पाइल्स के थ्रू, पाइल फाउंडेशन के थ्रू. तो फाउंडेशन को स्टेबिलिटी मिलेंगी, राइट? तो फिर से मैं बता रही हूँ, पाइल फाउंडेशन हम कहाँ पे करेंगे, जिस एरिया में सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है, जैसे कि सी सॉर है, रिवर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पूरे पाइल्स गाड़ के पूरा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे. अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि रिवर पे जो है, रिवर पे या समंदर में ब्रिज कैसे बनाते होंगे, राइट? ब्रिज कैसे बनाते होंगे, या रिवर 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 के नजदीक में रिवर बेड पे या फिर सीसॉर के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाते होंगे. तो एग्जैक्टली पाइल फाउंडेशन नहीं तो कैशन वगैरह डाल के ब्रिज है, या फिर पाइल फाउंडेशन डाल के जो पूरा स्ट्रक्चर है तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो कैशन जब हम पढ़ेंगे, कैशन टॉपिक, तब मैं पूरा कैशन और कॉफर डैम्स का पूरा बताऊंगी. अभी पाइल फाउंडेशन के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. सो वेर इज इट यूज्ड, वेर पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड, तो मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ. वेन देर इज इन एडेक्यूट बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन टू प्रिवेंट अपलिफ्ट फोर्सेस टू रिड्यूस एक्सेसिव सेटलमेंट. ये तीन जगह पे हम क्या करेंगे, पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे. बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मैंने जैसे अभी बताया, बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी पुअर. जहाँ पे बैरिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर है, सैलो फाउंडेशन के लिए वो कैपेबल नहीं है, इनएडिक्यूट है, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डीप फाउंडेशन बनाना पड़ेगा. टू प्रिवेंट अपलिफ्ट फोर्सेस एंड रिड्यूस एक्सेसिव सेटलमेंट. तो ये तीन कंडीशन पे, ये तीन जगह पे हम क्या करेंगे,
डीप फाउंडेशन का पाई फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में जो पाई फाउंडेशन है डीप फाउंडेशन की टाइप्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पाई फाउंडेशन बना के पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। ओके सो फिर से हम एक बार टाइप्स पे, नाउ आई विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, पाइल्स, कैशन and cofferdams. Depending upon the function, bearing piles, friction piles, sheet piles, anchor piles, batter piles, fender piles, compaction piles. फिर से मैं बता रही हूँ, depending upon the function, bearing piles, friction piles, sheet piles, anchor piles, batter piles, fender piles, compaction piles. Okay? Depending upon material, मटेरियल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, टिम्बर पाइल्स, कॉन्क्रीट पाइल्स एंड स्टील पाइल्स। अभी जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि पाइल्स कैसे रहते हैं जनरली, तो मैंने अभी आपको बताया ना पाइल्स पाइप के जैसे बड़े, बहुत ही वास्ट रहते हैं, उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा रहता है और थ्री टाइप के मटेरियल से बने रहते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी के भी पाइल्स बनाए जाते हैं, कंक्रीट के भी पाइल्स बनाए जाते हैं। कंक्रीट मींस सीमेंट प्लस सीमेंट, रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, सॉरी रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ओके एंड स्टील पाइल्स, स्टील के भी बनाए जाते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे बनाए जाते हैं ये पाइल्स, तो उसके बहुत बड़े वर्कशॉप फैक्ट्रीज वगैरह रहते हैं, वहाँ पे ये टिम्बर पाइल्स जो है, कंक्रीट पाइल्स जो है, स्टील पाइल्स जो है वो बनाए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइप है कैसन। कैसन में देर आर टू मेन टाइप्स, ओपन कैसन एंड बॉक्स कैसन, एंड थर्ड वन इज कॉफरडैम्स। कॉफरडैम्स में अर्थफिल कॉफरडैम्स, रॉक फिल कॉफरडैम्स एंड सीट पाइल्स कॉफरडैम्स। अब ये पाइल्स तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा उसका जनरल बताया कि क्या है, अब कैसन क्या है, व्हाट इज कैसन। सो कैसन इज अ वाटर टाइट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वुड, स्टील और रेनफोर्स कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्टेड इन कनेक्शन विथ एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन ऑफ ब्रिजिस, पियर्स इन रिवर्स, लेक्स, डॉक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कैशन जो है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी है, जैसे समंदर या फिर रिवर या फिर लेक, वहाँ पे पानी वाले जगह पे आपको अगर ब्रिज बनाना है तो ब्रिज कैसे बनाएंगे, तो कैश ब्रिज के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज के कॉलम। तो यहाँ पे हम ब्रिज के कॉलम नहीं बोल सकते, ब्रिज के कॉलम को हम क्या बोलेंगे, पियर, पी आई ई आर, पियर मीन्स जो ब्रिज के नीचे जो सपोर्ट के लिए जो कॉलम्स वगैरह रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पियर। पियर कौन से मटेरियल से बनाएंगे, पियर को हम बट ऑब्वियस है रेनफोर्स कंक्रीट से बनाएंगे, स्टील प्लस कंक्रीट से। तो वो पियर बनाने के लिए अब वाटर में आपको पियर कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे बनाएंगे, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है, वाटर में अगर आप रेनफोर्समेंट डालते हैं बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पानी में बिखर जाएगा ना, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है तो वो हम देखेंगे कैसन में। कैसन बना के फिर उसमें पियर बनाएंगे, एक्सकावेशन करेंगे समंदर के अंदर, एक्सकावेशन भी करेंगे और पूरा पियर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो जो स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर फिर पियर के ऊपर ब्रिज बनाएंगे, तो वो पूरा हम देखेंगे कैसन में। एंड कॉफरडैम क्या है, इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू डाइवर्ट द वाटर, वहाँ पे एक पूरा वाटर को रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके वहाँ पे एक पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके थ्रू वाटर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको ब्रिज के लिए पियर
बना सकते हैं। तो वो पूरा हम देखेंगे कॉफर डैम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अच्छे से देखना। कैसन, कॉफर डैम्स एंड पाइल्स डीप फाउंडेशन में, तीनों जो टॉपिक है, तीनों जो टाइप्स है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बेयरिंग पाइल्स। अभी फिर से पाइल्स के ऊपर आ जाओ, कैशन एंड कॉफर डैम्स बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पाइल्स। पाइल्स में सबसे पहली टाइप है बेयरिंग पाइल्स, तो बेयरिंग पाइल्स कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी उसके पहले क्या देखना बाकी रह गया, और एक टॉपिक बाकी रह गया ना आज, टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। उसमें टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन सूटेबल फॉर, बराबर कहाँ पे सूटेबल है डीप फाउंडेशन, कहाँ पे हम डीप फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमने देखा, और कौन से एरिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी हमने देखा। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जहाँ पे मार्शी लैंड है, मार्शी लैंड है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा मार्शी मतलब पूरा चिकल वाला लैंड, तो वहाँ पे हम मैट फाउंडेशन या राप फाउंडेशन पूरा बनाएंगे, ओके। ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन बनाएंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल, दिस इज द वन टाइप ऑफ सॉइल, एक टाइप है सॉइल की ब्लैक कॉटन सॉइल, ओके। तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन बनाएंगे। इनकेस द डेप्थ ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज मोर, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट वन इज स्ट्रिप और पैड फाउंडेशन, सेकेंड वन इज पियर फाउंडेशन, एंड थर्ड वन इज अंडर रिम पाइल फाउंडेशन। स्ट्रिप और पैड फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन एंड अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। अब पियर फाउंडेशन क्या है वो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, डिस्क्राइब किया कि पियर फाउंडेशन मीन्स ब्रिज में, अगर ब्रिज के कॉलम को हम क्या बोलेंगे, पियर, तो वो पियर फाउंडेशन बनाने के लिए हम डीप फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, मतलब पूरा कैशन का यूज़ करेंगे। स्ट्रिप फाउंडेशन और पैड फाउंडेशन अगर बनाना है तो डीप फाउंडेशन वहाँ पे सूटेबल है। एंड अंडर रिम पाइल फाउंडेशन, अंडर रिम पाइल फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल फाउंडेशन, उसका पूरा डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन देखना है। तो हम जब वो मतलब अंडर रिम पाइल फाउंडेशन जब पढ़ेंगे तो वो पूरा कवर, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल आज हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन डिस्क्राइब किया। देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, पाइल्स, कैशन एंड कॉपर डैम्स। उसमें भी हमने डिस्क्राइब मतलब उसमें भी हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन पाइल फाउंडेशन, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल पाइल फाउंडेशन, तो वो हमने देखा। उसके बाद सुटेबल फॉर डीप फाउंडेशन देखा, कहाँ पे सुटेबल है डीप फाउंडेशन, और पाइल फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन का डेफिनेशन एंड वेयर द पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड। तो ये हमने टॉपिक आज कवर कर दिए हैं। अब कल से हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ये हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कल के सेशन में हम डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन पाइल फाउंडेशन वो पूरा हम स्टार्ट करेंगे बेयरिंग पाइल से, पूरे जितने भी टाइप्स है वो पूरा कल के सेशन में हम कवर कर देंगे। आज हमने मेन जो है वो टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, टाइप्स सुटेबल फाउंडेशन फॉर डीप फाउंडेशन ये हमने देखा, एंड पाइल फाउंडेशन का डेफिनेशन एंड वेयर पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज ध्यान से देखना। पाइल फाउंडेशन, व्हाट इज पाइल फाउंडेशन एंड वेयर पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड, ये एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आया है, तो इसको ध्यान से देखना, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइल फाउंडेशन एंड वेयर पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड। मैंने अभी नेक्स्ट आज के क्विज में मैं यही क्वेश्चन दूंगी, व्हाट इज पाइल फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड, यही मैं क्वेश्चन दूंगी। तो
तो ये अच्छे से देखना. ओके सो